वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों को सरकार इस चरण में खोलेगी या फिर नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज इस अनलॉक के फेज में खोले जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या अनलॉक 4 में खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज। दरअसल स्कूल खोले जाने की अटकलों के बीच सरकार के इतर आज लोग फिलहाल मल्टीप्लेक्स, मूवी थिएटर, मेट्रो या लोकल ट्रेनों और खासकर स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में नहीं है। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक यदि 1 सितंबर से स्कूल दोबारा खोले जाते हैं तो 62% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फिर भी स्कूल नहीं भेजेंगे। पेरेंट्स का कहना है कि वे बच्चों के हेल्थ को ही उनकी शिक्षा से पहले रखेंगे। आपको बता दें कि भारत के 261 जिलों में 25,000 से ज़्यादा परिवारों पर यह सर्वे किया गया है। पहले सवाल में लोगों से पूछा गया था कि अगर सरकार 1 सितंबर से मेट्रो, लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो क्या वे अगले 60 दिनों में उसे इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल के जवाब में 36% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 51% ने नहीं में जवाब दिया। 13% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल के बारे में अनिश्चित थे, यानी कि उनका जवाब ना तो हाँ में था और ना ही ना में। ऐसे ही स्कूल खुलने पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मामले पर 23% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 62% ने नहीं में जवाब दिया, जबकि 15% इसके बारे में अनिश्चित थे। वहीं रेस्तरां, जिम और मॉल खोलने के बाद सरकार अनलॉक दिशा निर्देशों के अगले चरण में मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि लोग लगातार मूवी हॉल को फिर से खोलने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब सवाल लोगों से पूछा गया कि अगर 1 सितंबर 2020 से मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर खोलती है तो क्या वे अगले 60 दिनों में फिल्में देखने जाएंगे, इस सवाल के जवाब में 6% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 77% लोगों ने कहा वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए मूवी हॉल में नहीं जाएंगे। 14% ने कहा कि वे सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घरों में जाते ही नहीं हैं। फिलहाल स्कूल खुलने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जवाब दिया है। टीवी चैनल से बातचीत के दौरान जब निशंक से सवाल किया गया कि स्कूल कब खोले जाएंगे तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जैसे जैसे ये स्थिति सामान्य होगी और हम गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका सुझाव मिलता रहेगा हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जो भी उनका निर्देश होगा अब उस दिशा में काम करेंगे। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा महत्वपूर्ण बात है। बता दें कि कई राज्य सरकारों ने पहले ही घोषणा की है कि वे अगस्त के अंतिम सप्ताह में स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय पर फैसला लेंगे। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे एक सर्वे के मुताबिक पेरेंट्स अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो 62% ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। साथ ही इस मसले पर शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया यह भी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। फिलहाल इस मसले पर क्या है आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।